वर्ल्ड नो टोबैको डे। यह दिन हर साल 31 मई को मनाया जाता है और मनाने का रीज़न ये है कि लोगों को टोबैको से होने वाले नुकसान के प्रति अवगत कराया जा सके। वैसे तो हम सबको पता होता है, हर जगह पब्लिक प्लेस पे, सिगरेट के डब्बे पे और न जाने कहां कहां ये लिखा होता है कि टोबैको का इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम मानते ही कहाँ हैं। खैर, ये दिन मनाया जाता है और इस बार की थीम है वी नीड फूड नो टोबैको। वर्ल्ड नो टोबैको डे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि किस तरीके से जो फार्मर्स टोबैको की खेती करते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं, उनको टोबैको की खेती से हटा के दूसरे क्रॉप्स की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको ये समझाया जाए कि उसमें जो मुनाफा होने वाला है वही मुनाफा उनको दूसरे न्यूट्रिशियस क्रॉप्स को भी उगा के हो सकता है। प्लस जो टोबैको की इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी फैल चुकी है और कितने सारे लोग उसका नुकसान झेल रहे हैं, उसको भी एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया गया है। अगर हम आंकड़ों की माने तो हर साल पूरे विश्व में 3.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन को टोबैको की खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। टोबैको की खेती करने की वजह से बहुत सारी उपजाऊ जमीनें जो हैं वो खराब होती चली जा रही हैं। उसका रीजन ये है कि जब टोबैको की खेती की जाती है तो बहुत भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है और तुर्रा ये यानी कि उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जमीनें धीरे धीरे खराब होती चली जाती हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ये बात उस कैंपेन की हो गई जो चलाया जाने वाला है, लेकिन क्या आपने सिगरेट के डब्बे पे जो पढ़ा है धूम्रपान करना मना है या जो लिखा होता है डोंट स्मोक स्मोकिंग किल्स, कभी सोचा है ये क्यों लिखा होता है? अगर WHO की माने तो वर्ल्ड में लगभग 8 मिलियन डेथ्स जो होती हैं वो सिर्फ धूम्रपान की वजह से होती है, यानी कि टोबैको की वजह से होती है, जिसमें से 7 मिलियन डेथ डायरेक्ट धूम्रपान की वजह से होती है और बाकी बची जो संख्या है लगभग 1.2 मिलियन की वो सेकेंड हैंड स्मोकर्स की होती है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आज नो टोबैको डे के दिन धूम्रपान नहीं करना है, इसकी कसम खा लेनी चाहिए?